हेलो दोस्तों, निक्कू देहाती ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं, हाँ, हम ग्रामीण क्षेत्र में आए हुए हैं दोस्तों। तो आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि गांव देहात में उड़द का खेती कैसे करते हैं और पाटा कैसे मारते हैं बैल से, उसके बारे जानकारी देंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। निक्कू देहाती ब्लॉग इसके लिए आपके धन्यवाद का पात्र रहेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम गांव क्षेत्र में आए हुए हैं, घनघोर जंगल के बीच यहाँ पर उड़द का खेती किया गया है दोस्तों, जो दाल में प्रयोग होता है, रोटी वोटी में इसका भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पर उड़द का खेती भाई साहब किए हुए हैं, और जो देख रहे हैं आपको दिखाऊंगा, न दिखाएंगे तो, ये उड़द का खेती करके पाटा मार रहे हैं, जिससे हम लोग गांव देहात में पाटा मारना बोलते हैं। तो ये समतलीकरण कर रहे हैं, जो जोत हुआ है इनका, और यहाँ उड़द का खेती किए हुए हैं भाई साहब। तो यहाँ पर उड़द का खेती करने के बाद जुताई करने से किए हैं, उसके बाद यहाँ उड़द बुने हैं। तो उड़द तो बुन चुके हैं, उड़द का फोटो मैं नहीं दिखा सकता हूँ। गांव क्षेत्र में कठिन जीवन के बीच हमारे बीच भाई साहब हैं, तो ये पट्टा मार रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ऐसे घूरता है बैल, बैल से पट्टा मारते हैं। गांव देहात क्षेत्र में पैसा का अभाव है, तो अपने गाय बैलों से ही ये बैलों से खेती बाड़ी करते हैं। देखिए ये पाटा है, और इसमें पत्थर लाद दिए हैं, और पीछे पीछे चल रहे हैं। और जब मोड़ना होता है तो नो 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 बोलते हैं, तो बैल पीछे मुड़ता है। और सिखाया गया बैल है, ट्रेंड बैल है। हम देख सकते हैं यहाँ उड़द का खेती में भाई साहब जो लगे हैं, अपना पाटा चला रहे हैं। और ये पाटा इसलिए चला जाता है दोस्तों, आप इधर देख सकते हैं, ये जोत चुके हैं, इनका हल देख सकते हैं। गांव देहात का हल ऐसे रहता है, जो लकड़ी से बनता है, और नीचे इसका फार होता है दोस्तों, जो लोहा का होता है। आप देख सकते हैं यहाँ लोहा का फार होता है, और इसी से मिट्टी उटकने का काम करता है या निकलने का काम करता है। तो ये बैलों से खेती बाड़ी कर रहे हैं। उरिद बुने हैं दादा? उरिद बुने हैं बोल रहे हैं। देखिए पाटा मार रहे हैं, काले पाटा मारा थी से कहते बताओ तो, चलते चलते शाम हो शाम हो नी शाम हो तो उरिद बराबर रोकरी नी आ सीजन तो है कि दादा उरिद करनी का उरिद बुने मठिया की लरिया मठिया काला काला रहता है, इसको मठिया उरिद बोलते हैं दोस्तों गांव देहात में, और सफ़ेद प्रकार का होता है तो उसको लरिया उरिद बोलते हैं। दो प्रकार का उरद का वेराइटी इधर होता है दोस्तों। तो लरिया उरिद थोड़ा लेट में बुना जाता है अगस्त के बाद, और मठिया जो है पहले बुना जाता है। तो काला काला होता है, छोटा छोटा होता है, और लरिया उरिद जो होता है वो बड़ी लंबा लंबा उसकी डाली निकलती है, और लंबा लंबा डाली निकलने के बाद दोस्तों वो फल बहुत ज़्यादा लगता है, और वो थोड़ा काला से हट के कलर होता है उसका, उसको हम क्या कहेंगे। ओ लारिया उरित का रंग कैसन रहल दादा? लारिया उरित के रंग दो प्रकार के रहल, काला और सफ़ेद हो रहे। हाँ, काला और सफ़ेद दो प्रकार का होता है। और माठिया बुनी सिकर में? तो ये तो करिया रहल नहीं, का का प्रयोग अथी उरीद कर खेती होयल दादा? का का में इके लगाए उरीद के, उरीद के दाइल खाएन और का का बनाए ना तनिक बताए दे। दाइल खाएन और बाड़ी में बनाए। का ना है के दादा तोर? बिरसा लोहरा। बिरसा लोहरा पाले मुन सॉरी बेहरीन भाषा से मैं वीडियो बना रहा हूँ। देख तर गोरू के दादा आप खेती करते हैं, तो बिरसा जी इनका नाम है,
और ये खेती बढ़िया से कर रहे हैं। देखिए ये तोरे डांड बने के दादा, देखिए बंधक लेके खेती कर रहे हैं, ये चारों तरफ इन्हीं का खेती है। आप देख सकते हैं इधर धान भी लगाए, गोड़ा है कि गो, तो इधर गोड़ा का खेती किए हैं दोस्तों। और हुने का खेती है अथी मूंगफली कर, तो है लगा इस, तो मूंगफली का खेती भी आपको दिखाते हैं दोस्तों। मूंगफली भी लगाए हैं भाई साहब, देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं। गांव देहात में पहाड़ी क्षेत्र के लोग कैसे काम करते हैं उसको दिखाते हैं आपको। यहाँ पर भी उरीद इन्होंने बुना है, अब इनका खेती और दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पर बंदर का भी बहुत शिकायत है दोस्तों, बारहा का शिकायत है, सियार का शिकायत है, फिर भी ये हिम्मत करके देखिए दोस्तों पौधा लगा है छोटा छोटा, आप देख सकते हैं। ये मूंगफली या बादाम का खेती इन्होंने लगाया है यहाँ पर, जो बरसात में लगता है गांव देहात क्षेत्र में। इसका मूंगफली आप लोग खाए ही होंगे, इसका जड़ से कंद निकलता है दोस्तों, और इसका बीज से तेल पेरा जाता है, तेल भी निकाला जाता है। और ये मूंगफली का जो आप पौधा देख रहे हैं, देख सकते हैं सामने करके, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार का इसका पौधा है। लाइनिंग में लगाए हुए हैं, इसको कोड़ा भी करना पड़ता है, कोड़ा कहने का मतलब मिट्टी पलटना पड़ता है, तब इसका मतलब फल बढ़िया आता है दोस्तों। तो आप लोग को और दिखाना चाहता हूँ, इधर ये खेती किए हैं गोड़ा का, गोड़ा का खेती इनका बहुत बढ़िया है दोस्तों। गोड़ा का खेती किए हैं, गोड़ा खेती कहने का मतलब जो टाड़ होता है उसमें लोग खेती करते हैं गोड़ा का। तो ये गोड़ा का खेती जो है ये बहुत अल्प समय में होता है दोस्तों, और इससे चूड़ा बनता है और इसको खाया भी जाता है, मोटा अनाज होता है, इसको बिधाना हम बोलते हैं, बिधाना नहीं पड़ता है, कहने का मतलब इसका कोड़ा करना नहीं पड़ता है, घास नहीं है, बहुत गोड़ा का खेती बहुत बढ़िया है। और दानी गोड़ा है दादा कि अथी गोड़ा है कि ना? दानी गोड़ा है, क्या बिहीना है? बिहीना है लेखता हूँ दादा, घास के छानबे हो जिनको तो भी जाए। अच्छा, हम भी लगाने बोल पूछ रहे हैं तो गोड़ा है बोल रहे हैं, गोड़ा लगाएंगे। और मूंगफली तो रहे के नहीं? हाँ, मरे तो हर साल कर इस मूंगफली? हाँ, हर साल गिलक साल वो है। सुवेर बार है खाएं कि नहीं दादा? खाएं, लेकिन तो बहुत मेहनत करते हैं भाई साहब के लिए, थोड़ा सा एकदम जरूर ही इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिए कितने मेहनत से खेती कर रहे हैं। ठीक है तो दादा, ठीक है, हम भी निकल रहे हैं, अपना हाँ। काम कीजिए। और आप देख सकते हैं घनी आबादियों के बीच आदिवासी समाज के लोग कैसे खेती करते हैं दोस्तों, चारों तरफ घनघोर जंगल है, माओवादियों का जमाड़ा यहाँ हुआ करता था, लेकिन अभी वैसा नौबत नहीं है, ये खेती करके अपना किसानी करते हैं। तो मेरा ग्राहक सबको बोलिए कि जो देख रहे हैं यहाँ पर लाइक करने बोलिए, थोड़ा सा लाइक करने बोलिए, देखिए भैया लाइक करने बोल रहे हैं, इनको बहुत धन्यवाद। और हम आगे बढ़ते हुए अगला वीडियो आपको शूट करके दिखाएंगे, गाँव देहात की नज़ारा कैसे खेती बाड़ी करते हैं, आप लोग देख चुके हैं। तो निक्कू देहाती ब्लॉग YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो एक में खाद भी दे दादा? हाँ, गोबर खाद दिए हैं, DAP दे नहीं? नहीं, गोबर खाद से हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर खेती बहुत अच्छा होता है। और इनका जो एरिया देख रहे हैं ये मतलब लीज पर लिए हुए हैं, लीज मतलब यहाँ पर बांधा बोलते हैं, बांधा पर लिए हैं, कितना पैसा वो दिए हैं जमीन मालिक का, और खेती कर रहे हैं दोस्तों। इनका जमीन बहुत कम है, कम है दादा, तो जमीन ने ज़्यादा ज़मीन नहीं है, तो लीज पर खेती कर रहे हैं। तो आप इसे ज़रूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ऐसे कर्मठ किसान हमारे देश में हैं। तो अगर ये वीडियो दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा है तो मैं यही कहूँगा कि ये किसान भाई का हौसला बढ़ाने के लिए, निक्कू देहाती ब्लॉग यूट्यूब चैनल का हौसला बढ़ाने के लिए जरूर दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय झारखंड, जय किसान।